subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. भाई साहब जरा बस रुकिए। एक नंबर लगा है। नहीं, मुझे बस यहीं उतरने दीजिए। अरे भाई साहब पगला गए हो का? यहाँ उतरोगे तो सुबह तक कोई बस नहीं मिलेगी। कोसों दूर रहने की भी कोई जगह नहीं है।
सुबह ही मिलेगी कोई बस। आप मेरी चिंता मत कीजिए। नहीं चिंता किसको है, लो लगा देते हैं भाई।
बनाए रखें। हम सब लोगों पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। हमें इस आतंकवादी का इंतजार करना है, इंतजार करना है इसके बाहर निकलने का। अगर हम चाहें तो आसानी से मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अपने बरसों पुराने इस मंदिर को आतंकवादी के खून से गंदा नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि शांतिपूर्वक इस आतंकवादी के बाहर निकलने का इंतजार करें। और वैसे भी हम नहीं जानते इस मंदिर के अंदर कितने आतंकवादी छिपे हुए हैं। भारत माता की जय। अरे बोलो तालियां। आतंकवादी से बरामद बैग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ड्राइंग बुक है जिसमें हमारे प्रसिद्ध मंदिर देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। कुछ कोड वर्ड्स जैसे मीरा कृष्ण मास्टर पाशा वगैरह वगैरह, जिन्हें हमने लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया है। तालियां। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। एक पेंसिल और रबड़ भी मिला जो मैंने इस बच्चे को यादगार के तौर पे दे दिया। क्या बात है? कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे बताया, मैं और वो एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, हम अच्छे दोस्त भी हैं और उनकी पत्नी तो साक्षात देवी का रूप है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं। छोड़िए इस बात को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे कुछ पड़ोसी मुल्क और विदेशी ताकतों के बारे में बताया जो एक खतरनाक षड्यंत्र रच रही हैं, जो हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की शान, हमारे पुराने मंदिरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आतंकवादी इसी इरादे से इस मंदिर में घुसा है और नेहरू मीरा कृष्ण मास्टर पाशा ये सब मिशन के कोड वर्ड्स हैं, मिशन का नाम है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि आतंकवादियों ने यही मंदिर क्यों चुना, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि ढोलपुर के लोग कितने खुशनसीब हैं। ये मंदिर आज से हजारों हजारों साल पहले हमारे देवी देवताओं के रहने की जगह थी। आप लोग ये नहीं जानते पर मैं जानता था, लेकिन मुझे इंतजार था एक खास मौके का और आज वो मौका आ गया है। मैंने सरकार से 2 करोड़ रुपए की मांग की है इस मंदिर के लिए, ताकि इस पुराने मंदिर की शान और गरिमा वापस लौटाई जा सके। भाइयों, इस बहादुर बच्चे का तालियों से स्वागत कीजिए। आजा बेटे, इधर आजा। शाबाश शाबाश, बहुत बड़ा काम किया तुमने। आजा आजा आजा, ऊपर आजा। तालियां। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ नमस्ते करो बेटा, सबको नमस्ते करो। तालियां तालियां, सबको नमस्ते करो। शाबाश। इस छोटे से बच्चे ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम हिंदुओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। ये छोटा सा बच्चा बिना अपनी जान की परवाह किए उस आतंकवादी का बैग उठा लाया, उसे ढोलपुर की पुलिस चौकी में लाके दिया और उस खूंखार आतंकवादी के बारे में बताया। शाबाश बेटा, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं बहुत जल्द प्रेसिडेंट साहब से बात करूंगा और इस साल का राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार इसी बच्चे को दिलवाऊंगा। सर आपका फोन बज रहा है। सर मुंह के पास से माइक हट लीजिए। सर जी जी, बेटा इधर आ, इधर आ। हेलो पलटो। नहीं आप बेफिक्र रहिए यार, एक बार बात करवा उससे। बेटा सुनो, इधर आ जाओ। एक बात बताओगे, ये जो उसामा बिन लादेन है ना, ये आतंकवादी दिखता कैसा है? उसकी दाढ़ी है, लंबा है लंबा, और वो कहीं उसामा बिन लादेन तो नहीं हो सकता, या फिर सद्दाम हो सकता है? बता बेटा बता। ओए सद्दाम तो कब का पकड़ा जा चुका है। अरे अमेरिका वाले साले मां कसम बहुत झूठ बोलते हैं, इन्होंने नकली सद्दाम पकड़ा होगा। तू बता बेटा बता बता, तूने असली में क्या देखा? अबे ओ साले, तो क्या दिन में पी के रखी है तूने? मां सरस्वती कसम, अगर बीच में कुछ बोला ना तो साले खलिहान कर देंगे। तू अपना काम करना। हां काम कर रहा हूं यहां पे। अरे तू बता मैं हमने बच्चा क्या बोला है? अरे साले क्या मिलेगा? अरे मेरा गला पकड़ दे साले। क्या मिलेगा? चल तू कसम मैं थोड़ा मैं तेरा सारे खानदान छोड़ दूंगा, तुझे सारा बर्बाद कर दूंगा। तू साले क्या बात कर रहा है? ये सारा क्यों? इस नाम का आदत है तू साले चश्मे चुपा।
अरे सारी दुनिया से पत्रकार बुलाए हैं यहाँ पे साला, और तुम लोग साला कुत्तों की तरह लड़ाई करते हो। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था लागे बीच में। क्या नाम है तेरा? गोपीनाथ। गोपीनाथ तेरा ही नाम है? आखिरी बार कब मुद्दा था तू? देखे भाई साहब, हम रिपोर्टिंग कर रहे। समझ क्यों नहीं रहे? मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। घर जा और दांत साफ कर और नहा के आ, समझा कि नहीं? सारी दुनिया से यहाँ पत्रकार बुलाए हैं, तुम लोगों का थोपड़ा देखने के लिए नहीं। चल यहाँ से निकल, निकल यहाँ से। मालूम है साला, आतंकवादी उसामा बिन लादेन यही छुपा हुआ है, लेकिन साले सब पैसा हजम करना चाहते। तेरी माँ का, तेरी बहन का तना साले, तेरी तो तेरा चश्मा फोड़ूंगा तेरी बहन का। आप लोग घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। आप लोग देखिए, इस आतंकवादी के जरिए हम लोगों को इसके गिरोह तक पहुँचना है। इस आतंकवादी की तो मौत होगी, ये पक्का है, लेकिन इसके गिरोह तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। उसके गिरोह तक पहुंचकर हम उसे खत्म कर देंगे। ए, ताले बजाओ। हाँ। इसीलिए मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि शांति बनाए रखें और इस आतंकवादी को मंदिर के अंदर ना मारें। मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखें, मंदिर की पवित्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों से। अभी मैं चलूंगा, जल्दी लौट कर आता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, राष्ट्रीय एकता पार्टी। मैं जा रहा हूँ, मजिस्ट्रेट साहब से मिलकर आता हूँ। तू जरा मन लगाए रखना, ठीक? मिनिस्टर साहब के प्रस्थान के लिए ताली बजाएं आप लोग, ताली बजाएं जोर से। हाँ, अभी एसपी साहब के घर पे ही हैं, अभी निकले नहीं है। हाँ, सभी कांस्टेबल्स को भेज दिया गया। माय स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा, सुनो, अभी अभी पापा को जाना है बेटा, काम पे जाना है, ठीक है? अब देखना, थोड़ी देर में ना मालूम है मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर मम्मी ठीक हो जाएंगी तो हम सब फिल्म देखने चलेंगे एक साथ। फिर फिल्म देखने चाहेंगे तो सबसे फेवरेट चीज खाएंगे तुम्हारी, कौन सी? वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम। अभी पापा को क्या मिलेगा? बारे अबे तेरे को बुलाने के लिए क्या प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ेगा मुझे? हैं? फैक्स करना पड़ेगा उसको? जल्दी से आजा, हैं? सारी दुनिया यहाँ पहुंच चुकी है और तू वहाँ क्या कर रहा है? और सुन, आते हुए इमाम को साथ लेके आना। डोंट वेस्टिंग ऑफ टाइम। डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है। ओके, ठीक है, आता हूँ। यस। अच्छा बेटा, कोई भी बात हो ना तो पापा को फोन करना, ठीक है? शाबाश, घबराना नहीं है। पापा हमें छोड़कर मत जाइए, हमें बहुत रोना आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे आंसुओं का टेस्ट कैसा होता है? स्वाद खारा। और समुद्र के पानी का टेस्ट कैसा होता है? वो भी खारा है ना? तो अगर तुम रोओगी सारा समुद्र खाली हो जाएगा, और सारा समुद्र खाली हो गया तो सारी मछलियां मर जाएंगी। हाँ, अपने निम्मी भी मर जाएगी।
इसीलिए रोना नहीं। मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, मेरा स्ट्रॉन्ग। अरे ये गोलू बंजल क्या कर लिया है? हाँ चला है? शाबाश। निम्मी निम्मी निम्मी, तोरे बिन जियरा न लागे, तोरे बिन जियरा न लागे, तोरे बिन जियरा न लागे, तोरे बिन जियरा न लागे। जो मैंने आस लगाई सर। मालूम पड़ा कितने लोग हैं? हाँ सर, हमारे ख्याल से कम दो आतंकवादी तो अंदर हैं ही। हाँ। ये भीड़ कैसी है? हाँ सर, ये राष्ट्रीय एकतावादी पार्टी के लोग हैं। हाँ ठीक है, कोई भी पार्टी हो। यस सर। कोई भी? हाँ सर, इस पुलिया से आगे कोई नहीं आना चाहिए। ओके सर, फाइन। ठीक है, तीन लोग वहाँ लगाओ, दो लोग वहाँ। ओके सर। और चार लोग उस तरफ। ओके सर, फाइन। अब इमाम को बुलाओ गाड़ी। ओके सर, बाहर निकालो। आइए इमाम साहब, आइए। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, जितना बताया गया उतना ही। किसी भी तरीके से उन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोलना। अरे भाई, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ, वहाँ की मस्जिद में इमाम हूँ मैं। अरे भाई मेरे करीब आओ, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता मुझे। मैं तुम्हें करीब से देखना। अरे तुम तो बच्चे हो बेटा, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ जो आसपास मुसलमान रहते हैं ना, उन्होंने अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया है, और तेरी एक भी गलती से उनकी मौत हो सकती है। मुझे यकीन है ये लोग दरवाज़ा नहीं तोड़ेंगे, कम से कम बड़े अफसरों के आने का इंतज़ार करेंगे ये लोग। लेकिन बेटा ये दरवाज़ा तोड़ेंगे ज़रूर। बेटा तुझे अल्लाह का वास्ता है, जैसे ये दरवाजा तोड़ेंगे ना, तू अपने आप को गोली मार लेना, जिंदा गिरफ्तार मत होना बेटा। बेटा तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू इस पाक मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाना। तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा? ये लोग चाहते हैं तू सरेंडर कर दे, लेकिन तुझे पता है जैसे ही तू बाहर आएगा, यहां जो हजारों की भीड़ जमा है ना, ये तुझे जिंदा दफन कर डालेंगे। ये सब के सब तेरे खून के प्यासे हैं। मैं नहीं जानता बेटा तू कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है, लेकिन मुझे ये पता है कि तू जिंदा नहीं बचेगा। सारे देश से लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बेटा जब ये लोग
जब ये लोग भुखमरी और गरीबी से नहीं लड़ सकते तो हमसे लड़ते हैं ताकि बाकी और जरूरी बातें वो भूल जाएं। ये भीड़ तुझे मरता हुआ देखकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाएगी, कुछ पल के लिए ही सही। तेरी मौत से इनके चेहरों पर मुस्कान तो आएगी, कुछ पल के लिए ही सही। बेटा अल्लाह तेरी मदद करेगा बेटा। कितने आदमी हैं? एक। ले जाओ। आइए इमाम साहब। घबराने की कोई बात नहीं सर, नहीं सर, वो क्या है ना कि मंत्री जी कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं जी। अंदर सिर्फ एक ही आतंकवादी है और मेरे ख्याल से उसके पास हथियार भी नहीं है। नहीं, और फोर्स की जरूरत अभी और फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा सर जी। यस सर जी। ओके सर, थैंक यू। चौबे। यस सर। ये मीडिया किसने इन्फॉर्म किया? हेलो मिस अनीता, कम वेलकम मिस्टर पांडे। या मायसेल्फ, थैंक यू। आई कॉल यू फॉर रिमेंबर दैट वेरी फंटास्टिक फॉर मी। दिस इज माय कार्ड, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर ऑफिस, एंड दिस इज योर हाउस, एंड दिस इज पर्सनल। क्वाइट अ क्राउड। Sorry? Quite a big crowd. Yeah, like a Kumbh Mela. I created all this thing. Oh. I hold this thing. Can I speak to police in charge? Sorry? Chief police? Chief police? Tiwari? Tiwari se baat kar. You talk to Tiwari? Come. Ladies, come. Come with me. I know, Doctor Sir. मैं समझ रहा हूँ आप सिचुएशन बारे। मेरी बेटी को तसल्ली मिल जाएगी। क्या कर रहा? सुन मेरी बात। उसकी खुशी के लिए फिर प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। सुन मैडम आई है, बात कर ले आराम से। मैडम श्री तिवारी एंड हेज अनिता जी, बात कर लो। सर, ये आदमी कौन है? उसका नाम क्या है? किस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है? उनकी डिमांड्स क्या है? क्या आपसे बात हुई है? देखिए मैडम, ये बहुत डेलिकेट मामला है, मैं इस बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। लेकिन ये सारा ऑपरेशन आपके अंडर में है, आपने क्या क्या बंदोबस्त किया है? मैडम बंदोबस्त आप चाहो तब देख ही रही हैं, पुलिस की ड्यूटी है, सिक्योरिटी है, देर इज नो प्रॉब्लम। और सेंटर से हम लगातार कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और इसीलिए किसी को भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ये ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट है? देखिए मैडम, मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, दैट्स ऑल। यहाँ के इमाम उस टेररिस्ट से मिले थे, ये काम आपका नहीं है? यानी कि पुलिस को सबसे पहले संपर्क करना चाहिए था। क्या आपने इमाम को इसलिए भेजा क्योंकि वो मुस्लिम है? कैमरा बंद कर। क्या मैडम, समझ क्या रखा आपने? आप पुलिस वालों को उसकी ड्यूटी समझाएंगे, मुझे क्या करना क्या नहीं करना वो आप बताएंगे मुझे? आप चैनल वालों को यही प्रॉब्लम है, नमक मिर्च लगाते हैं, फैक्ट नहीं बताएंगे। आप लोग दंगे ना भी हो रहे तो आप दंगे करवाएंगे हिंदू मुस्लिम के। कैमरा चालू किया ना तो त्रित, आप पहले आए या सबसे आखिर में? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप क्या बता रही हैं। कैमरा ऑफ रखना। चौबे। यस सर। कैमरा ऑन करना यार, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ की एसपी। यस सर। घर से फोन आया तो बोलना, मैं वापस फोन करता हूँ, ठीक है? ओके सर, फाइन सर। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? सुनो बता दो, ये तस्वीरें हम लाइव ला रहे हैं धौलपुर से एक्सक्लूसिवली ऑन चैनल 5 न्यूज। शिफ्ट है। फायरिंग तभी करना जब उसकी तरफ से फायरिंग हो। ओके सर। Get the mandir. Yeah. Position low. Follow him. Yeah, I'm tight. यहाँ खड़े हो। Slide.
Close on him. Yeah, I'm tight on him. Getting the right frame? Yes, Mandir yes. And him. मैं आका एसपी अशोक तिवारी डरो नहीं गोली नहीं मारूंगा मैं देखो देखो दोनों हाथ खाली है मेरे क्या नाम है तुम्हारा हमारे नाम से क्या फर्क पड़ता है हमारा मुसलमान होना ही आप लोगों के लिए काफी है नाम बता अनवर चाहते क्या हो तुम कुछ नहीं और कौन कौन है तुम्हारे साथ कोई भी नहीं तो छुपकर क्यों बैठे हो मैं यहां छुपकर नहीं बैठा हूं मैं सिर्फ कहां से आ रहे हो लखनऊ कहां जाना है मुझे पता नहीं लखनऊ में कहां रहते हो इससे क्या फर्क पड़ता है वो स्केचबुक तुम्हारी है स्केचबुक हां वो डिजाइन भी तुमने बनाए हैं हां क्यों और कौन कौन से हथियार है तुम्हारे पास आरडीएक्स वगैरह का छुपा रखा है तुम लोगों ने और कौन कौन से मंदिर उड़ाने का प्लान है बताओ मुझे कुछ नहीं मालूम और अगर आप लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा मैं वाकई अपने आप को गोली मार लूंगा और जैसे कि आपके मिनिस्टर साहब ने कहा मैं आपके इस मंदिर को अपवित्र कर दूंगा अपने खून से क्या मिलता क्या है तुम लोगों को सब करके हाँ क्या मिलता है और तुम्हें क्या लगता है कब तक छुपे रहोगे यहां पर हैं सरेंडर कर दो ठीक है ये मीरा कृष्णा मैं मेहरू क्या है तुम्हारे कोड वर्ड्स हैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है मास्टर पाशा मीरा कौन है कृष्णा मेहरू कौन है ये सब मास्टर पाशा ये सब कौन है सच्चा प्यार प्यार करो अनवर तब तुम जानोगे जिंदगी का असली मतलब प्यार जिसमें हो सच्चाई बलिदान और भरोसा जैसे मीरा का प्यार कृष्ण के लिए और कृष्ण का मीरा के लिए मीरा कृष्ण के प्यार में पिघलकर समा ही गई कृष्ण और कृष्ण मीरा में कमाल जहां प्यार में दो लोग एक हो जाएं बल्कि कहें कि एक और दो दोनों के पार हो जाएं वही है प्यार बाकी सब प्रेम कहानियां हैं अनवर बाबू हीर रांझा रोमियो जूलियट सिर्फ कहानियां प्रेम करो बस ये जिंदगी प्रेम के बिना कितनी नीरस है अनवर बाबू कहां खो गए भाई आए? क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है जिस तरह मीरा ने कृष्ण के साथ किया था बहुत प्यार था बहुत सारा प्यार मालूम है मैं रात को सो नहीं पाता था
इतना प्यार दिल में रखकर कोई कैसे सो सकता है? ऐसा लगता था जैसे मेरी छाती फट जाएगी। लेकिन उसकी मौत के बाद सब बिखर गया। मेरी मीरा की मौत ने मुझे पागल कर दिया। मैं पागल दिखता हूं क्या? 3 महीने, 3 महीने पागल खाने में रहा मैं। क्या जब इतना प्यार हो सीने में तो मन होता है बांट दें, लेकिन कोई लेने वाला न बचे तो पागल हो ही जाएगा आदमी। बड़ी अद्भुत चीज है अनवर बाबू, प्रेम पागल भी कर देता है। खैर अभी मैं चलता हूँ, धंधे का टाइम हो गया। कल अंधा बना था, आज लंगड़ा बनेंगे। सर आपकी यही बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। आप कितने अच्छे एक्टर हैं, फिर से थिएटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? आप बहुत टैलेंटेड हैं सर। टैलेंटेड तो हम कभी नहीं थे अनवर बाबू, आज भी नहीं। बस प्रेम था जिसने हमें सब सिखा दिया। अब फिर से प्रेम की तलाश में, मिल गया तो फिर से टैलेंटेड हो जाएंगे। अब हमें जाने दो, शाम को मिलते हैं। प्यार करो अनवर, तब तुम जानोगे जिंदगी का असली मतलब। जैसे मीरा का प्यार कृष्ण के लिए और कृष्ण का मीरा के लिए। मीरा कृष्ण के प्यार में पिघलकर समा ही गई कृष्ण, और कृष्ण मीरा में। हमें पता है आप कौन हैं, आप मीरा हो। हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपको खोना नहीं चाहते। हमारे दिल में बहुत सारा प्यार है, इतना प्यार कि हमें लगता है कि हम पागल हो जाएंगे। हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए।
मत जाइए। घनी
सोचता हूँ साए में के मैं जीऊँ जान, आपका वो हिंदू दोस्त आया है। उसका एक नाम भी है उदित। उदित भाई। सलाम अलैकुम अनवर मियां। अंदर आना यार। नहीं यार, कहीं बात चलते हैं। वो लड़की कौन थी यार? कौन? मेरी बहन सुरैया। सुरैया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी भी किसी लड़की को देखा बालकनी में। अच्छा, वो हमारी नई किराएदार। अच्छा, चले। हाँ, चल। जहाँ देखो आदमी ही आदमी, और हर रोज हजारों और पैदा हो जाते कुत्तों की तरह जीने के लिए। वो देख, 3-2। मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग जी क्यों रहे हैं यार। ईटिंग शिट, लिविंग शिट, डाइंग लाइक शिट। अब तुम अपनी कम्युनिटी को ही देख लो ना, हजारों यहाँ वहाँ बिखरे हुए हो, अपने छोटे छोटे घरों में सहमे से डरे से, हर रोज पैदा होते हो, हर रोज मरते हो। थैंक गॉड, जल्दी मेरा हिंदुस्तान से पीछा छूटेगा, इस गंदगी से दूर, बहुत दूर। एक बात पूछूं अनवर, ये तुम लोग आज़ादी के समय पाकिस्तान क्यों नहीं चले? मुसलमानों को आज़ादी के वक्त कहा गया था या तो पाकिस्तान जाओ या तो हिंदुस्तान में रहो। हमें कहा गया था कि हमें बराबर का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुड वन। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि इन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। सही बोला यार तुमने, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मम्मी कहती है चाहे कुछ भी बोलो लेकिन झूठ मत बोलो। पिक्चर देखने चले, झूठ बोले कवा काटे। यार उदित, आप भी खाली जोक करते रहते हो यार। वैसे स्कोर 6-5 है। नहीं नहीं, 6-5। 6-5 मैं जीता हूँ। वो देख कवा। सलाम। आइए अनवर बाबू, शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपनी मुमताज के लिए, मैं भी एक छोटा सा ताजमहल बनाऊंगा मेरी मीरा के लिए। ये देखो है ना कमाल, हैं? मैं इसे बनाऊंगा अपने मरने से पहले, मेरे प्यार के नाम, मेरी मीरा के नाम। खैर और सुनाइए, मेहरू कैसे? ठीक है। उसकी माँ नशे की दवाई खाकर सोई रहती है। और मेहरू हेट्स इंडिया, नफरत है हिंदुस्तान से। अच्छा, अमेरिका जाना चाहती है। उसे लगता है कि एमटीवी ही अमेरिका है, ब्रिटनी स्पीयर्स को अपना आइडल मानती है। अरे तो भाई इसमें बुराई क्या है? कोई किसी को अपना आदर्श बनाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? देखो अनवर, अगर तुम्हें वाकई मेहरू से मोहब्बत है, तुम्हें उसके विचारों की कद्र करनी चाहिए।
बाय। बम बोले। यही है। अच्छे क्या? 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने अपना इंतजाम कर लिया, लेकिन हमारा सवाल यह है कि हमारे देश में जगह जगह जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए केंद्र में बैठी सरकार क्या कदम उठा रही है, यही हमारा सवाल है। हम मानते हैं कि अमेरिका की तरह हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं है, लेकिन हमारे पवित्र मंदिर है, देव स्थान है, तीर्थ स्थल है, उन्हें बचाने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। हमारी पार्टी का तो बस यही कहना है कि हम लड़ रहे हैं हमारी हिंदू परंपरा को बचाने के लिए, हिंदू रीति रिवाजों को बचाने के लिए, हमारी जो पुरानी संस्कृति है उन्हें बचाने के लिए। और मैं आह्वान करता हूँ जनता का, सारी हिंदुस्तान की जनता का, भारत की जनता का, कि वो हमारे साथ इस लड़ाई के अंदर हमारा साथ दे। भारत की, हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हिंदुत्व की संस्कृति से बचाए। बस यही मुझे कहना है। जय हिंद। आदर जब मैं कट बोलूंगा ना तभी लोगों को कहना तालियां बजाने के लिए, अभी नहीं। ओके सर। निकल निकल बैठ जाता है। हाउ सर ठीक है चलो। ये क्या बे सर? शॉर्ट्स। अबे पेपर पे पिक्चर नहीं बनता है, तुम कैमरे में देखो। हाँ भीड़ हटाओ वहाँ से, निकालो उनको ना। ओके सर। उधर करो। ठीक है सर। खाली दिख रहा है सब। नजर बरछी पलक बल्लम, ये बहुत तलवार है दोनों, गजब ये कारखाना है जहाँ हथियार ढलते हैं। आज कोई त्योहार आ रहा है क्या? हाँ भैया, कौन अमरीकी त्योहार है वो, क्या कहते हैं, वैलेंटाइन। हाँ वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे? अच्छा होता क्या है इसमें? वो कहा है ना, लड़का है ना, प्यार जतावे के लाने, पटावे के लाने, ये बड़ा बड़ा कार्ड फूल। अच्छा? जी बिल्कुल, एक दूसरे को पटा लेते। भैया आपको इंटरेस्टिंग आ रहा का? अरे गाड़ी रोक, लाट मार भी। अच्छा कमाल का त्योहार है यार ये, है?
मतलब सब कुछ खुल्लम खुल्ला। यार ये अमेरिकन भी बहुत बदमाश होते हैं। अच्छा जा, मेरे लिए एक कार्ड लेकर आ जा, और किसी को पता ना चले मेरे लिए खरीद रहा है। लेकिन भैया हमको अंग्रेजी आती कहाँ है, हम कैसे जानूंगा कि कहाँ लिखा है कार्ड में। तू भी ना गधा है गधा। अबे जिस कार्ड में बड़ा सा दिलचस्प बनाओ वो कार्ड खरीद लेना, उसमें है क्या है? अब मैं समझ गया वैलेंटाइन का चक्कर क्या है। जा 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 जा। Have patience, be brave. Everything will be fine. Hello madam ji, very very good morning to you and your family. This is Gopinath senior journalist speaking. जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो बेटा चढ़ जा सूली पे। जीरो वन वन लग जा रे। हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर फैमिली। मैडम जी, दिस इज सीनियर जर्नलिस्ट गोपीनाथ स्पीकिंग फ्रॉम धौलपुर। धौलपुर मैडम जी, धौलपुर। वी मेड द बेस्ट स्वीट कार्ड छमछम। नो मैडम जी, आई डोंट वांट एनी वीजा, आई वांट टू टॉक टू योर बॉस। मेरा मतलब इंस्पेक्टर जनरल जी। नो, इट्स कॉन्सुलेट जनरल जी। नो मैडम, हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। कैसे समझाऊं इसको? मैडम जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? कैन यू स्पीक हिंदी? लिटिल थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। माँ सरस्वती आपको बहुत प्यारा सा पति और उससे भी प्यारा बेटा दे। अरे मैडम जी, आप दूधो नहाओ पूतो फलो। कैन आई, मैं जॉर्ज बुश का नंबर ले सकता हूँ, मोबाइल नंबर? अरे जॉर्ज बुश मैडम जी, यू डोंट नो, यू नो, यू शुड नो, इट्स अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैडम जी यू नो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जॉर्ज बुश की लाइफ बन जाएगी। हेलो 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 हेलो, भैया कम। घर से भाभी का फोन आया तो कहना मीटिंग में। जी भैया। प्रणाम साहब, मजिस्ट्रेट साहब तो घर पे नहीं है, मैडम है अपने कमरे में। ए बबुआ, जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा देंगे, बुढ़ा होके बाहर निकलेगा, समझा? सुनीता, मैं आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलने आया हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हमें तो अब आपसे मिलना भी नहीं चाहिए। आप शादीशुदा हैं, हम शादीशुदा हैं। लोगों को पता चल गया तो हंसेंगे हम पर। हम खोना नहीं चाहते आपको, नहीं खोना चाहते। मत जाओ, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे आपके बिना। तो मर जाओ। हमने मोहब्बत की है आपसे, लेकिन हमने आपसे कभी मोहब्बत नहीं की। कभी?
कभी मोहब्बत नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की, नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की, नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की, कभी मोहब्बत इतनी सी बढ़िया। भैया चल, भैया भाभी जी और पांडे का आया था। पांडे को लगा फोन। जी हाँ पांडे बोलो। हाँ सर, ये मुंबई से कोई फिल्म वाले आए हुए हैं सर, और सर हो क्या रहा है कि सब लोग मंदिर छोड़ के सर सब चले गए शूटिंग देखने के लिए, और पूरा मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और ये बहन के बोलते हैं कि आपसे परमिशन है तो क्या करना है सर, पूरा मामला डिसिप्लिन के बाहर जा रहा है सर। उन सालों को बोलो कि एक मिनट में अपना सामान बांधे और मुंबई भागे, नहीं तो सालों का कैमरा तोड़ देंगे और हीरोइन को घर ले जाएंगे। और पांडे, ये वैलेंटाइन डे के बारे में क्या जानते हो? वैलेंटाइन डे? अरे सर आप इन चक्करों में मत पड़िए सर, सर ये वही लोग हैं जो एड्स फैलाते हैं सर। सर क्यों सर? अरे ये हमारे शहर में हो क्या रहा है? एक विदेशी त्योहार हमारी पूरी संस्कृति को खराब कर रहा है। अबे तो सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सर, आवाज थोड़ी कट रही है सर, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। वो सारी दुकानों से कार्ड वगैरह जब्त करो, और जो लड़का लड़की साथ में दिखे ना तो मार मार के खलिहान बना दो सालों को। सर आप चिंता मत कीजिए सर, अभी भेजता हूँ सर, कुछ लोंडो को भेजता हूँ सर, अभी करवाता हूँ मालिश, आप चिंता मत कीजिए सर। और सुन पांडे, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर सीधा मंदिर पहुँचता हूँ। ध्यान रहे, वहाँ भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। जर्नलिस्टों को चाय पानी दारू जो मांगे पिलाओ यार, हाँ कुछ भी करो, लोगों को खुश रखो। बिल्कुल सर, ओके सर। सर आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए सर। ओके सर। गाड़ी घुमा रहे। लेकिन हमने आपसे कभी मोहब्बत नहीं की। तो आपने ये लोकेशन क्यों चुना? कहाँ फंस गई ये सब धूप धूप में माइक वाइक लेके? अरे फिल्म लाइन क्यों नहीं ट्राई करती हैं? नहीं सीरियसली, आई मीन इट। थैंक यू वेरी मच, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद माय प्रोफेशन। अच्छा, तो आपने ये लोकेशन क्यों चुना? जिसलिए आप यहाँ आई हैं उसलिए हम भी यहाँ आए हैं। नहीं एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, ये मंदिर यहाँ बचपन में बहुत खेला करते थे हम लोग, मैं और मेरे दोस्त। ये तब भी वैसा था, आज भी वैसा ही है, खंडहर, कुछ नहीं बदला। आजकल ज्यादातर फिल्में हॉलीवुड की कॉपी हो रही हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या नाम बताया तुमने अपना? अनीता। अनीता देखो, ओरिजिनलिटी नाम की ना कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ एक चीज होती है ओरिजिनल, वो है भगवान, खुदा, गॉड, बस। वाओ, दैट्स वेरी फिलोसॉफिकल। है ना, बचपन से ही मैं फिलोसफर टाइप था दिल से। ओके, ये तो इंडस्ट्री ने थोड़ा मतलब बर्बाद कर दिया हमें, नहीं तो। तो आपकी पिक्चर की स्टोरी क्या है? पिक्चर प्यार के बारे में, प्यार के बारे में कहता है। ओके, कि एक इंसान की डिजायर होती है प्यार, मैं तुम मतलब जो भी प्यार होता ना प्यार की बात करता है, समझ रहे हो? नहीं, इस दुनिया में हर एक को प्यार चाहिए। अबे चुचंदर है, खाली करो, तुमको बोलो खाली करो यहाँ से। कौन है भैया? कौन है भैया बताएगा, पैकअप कीजिए यहाँ से। अबे परमिशन यार, इसको कोई समझाओ, परमिशन लिए मैं। अरे भैया हमारे पास है सारा परमिशन, कहा बोलते हो अंग्रेजी में, बोलो इसमें बोलो। पैकअप। हाँ चलो भैया पैकअप करो। सॉरी नेताजी, जरूरी है, चलो पैकअप करो। रुक रुक रुक, सरस्वती माँ कृपा करिए, कृपा करिए। ओए बिल्लू शोर कम कर यार। सॉरी अंकल। हाँ जी आगे बोलो। हाँ लेट, टाइम पर खाना खाए। माँ जी दो बार पहले भी लिख चुका हूँ कि टाइम पे खाना खाओ, फॉरेन में रहता है वो, वहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। अरे वो मेरा बेटा है, अमेरिका चला गया तो क्या हुआ? मोती, मोती, मोती। अभी दो मिनट रुक जा तू वहाँ पे गोपी। लेक और प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े, इससे केवल पैसे की बर्बादी होती है। अपनी सेहत का ख्याल रखे, तेरी गरीब और बीमार माँ। तेरी गरीब और बीमार माँ लिख दिया। ये चिट्ठी कब पहुँचेगी? नहीं है इसमें। ये बटन दबाया और ये पहुँच गई चिट्ठी। दो मिनट रुक जा तू वहाँ पे अभी। ठीक है ना? हाँ जी खुले बाद में भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है जी। चाची नमस्ते। गोपी अब तू इधर आ। मोती मोती, अबे पागल है क्या तू?
बहन के तो इनको कितनी बार समझाया कि कंप्यूटर पे नंगी पुंगी साइट मत देखा कर, समझ में नहीं आती। कल मेरे बाप ने देख लिया, डंडा कर दिया था मेरा, कंप्यूटर उठा के तोड़ने वाला था। भाई मेरे, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा, तू माफ कर दे मुझे, तू यहाँ मत आया कर प्लीज। मोती, तेरी कसम मैं सुधर गया हूँ, तेरी माँ की कसम मैं बदल गया हूँ, मुझे जिंदगी में जीने के लिए एक रास्ता मिल गया है। ए, तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरे लिए सिर्फ एक काम कर दे, मुझे ईमेल करना है, 100% अर्जेंट है। ईमेल करेगा? किसको? जॉर्ज बुश को। तुझे कैसे मालूम? हाँ बेटा बोलो। पापा आप जल्दी घर आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, मेरा बहादुर बेटा है ना तू, ठीक है? मम्मी के पास रहो और मम्मी को कोई भी तकलीफ हो ना पापा को फोन करो बेटा, ठीक है? अभी थोड़ी देर में डॉक्टर अंकल आएंगे। आपको याद है जब पिछली बार डॉक्टर अंकल आए थे तो आपको कितनी जल्दी ठीक कर दिया था जब आप बीमार हुए थे, है ना? अभी मम्मी को भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, ठीक? अच्छा अभी पापा को काम पे जाना बेटा, रोना नहीं बेटा, फोन रखो प्लीज। ओके पापा, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। अबे एसपी, यहाँ साला ब्रेन हेमरेज का हालत हो गया है, और तुम यहाँ जैसो टीवी बीवी में फंसा हुआ है। अब ब्रेंटन का क्या हुआ, साला हमारा बचपन से वो जाके बंद करवा रहा है, और तुम यहाँ आई लव यू में फंसा हुआ है। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए प्लीज। अरे क्या हुआ, हटो साला, सब साला कभी भी बम फूट सकता है। टमाटर समझ सर, नाक में दम कर रखा है इस पांडे ने, आप कहें तो उठा के अंदर कर दूं साले को। अभी वहां वहां मेरी बीवी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, मेरी 6 साल के बच्चे के अलावा उसके पास कोई नहीं है, कैंसर उसको किसी भी वक्त, और मैं साला इधर वैलेंटाइन डे के कार्ड जब्त करवा रहा हूँ, और ये साला टेररिस्ट, पता नहीं टेररिस्ट है भी कि नहीं, क्या पता साला ढोलपुर यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट हो। तो आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो लड़का टेररिस्ट है? आपको पता है ना, इलेक्शन सर पर है, और जनता ने पिछले 5 सालों में आपकी शक्ल नहीं देखी। आप क्या समझते हैं, जनता बेवकूफ है? नहीं नहीं सीएम साहब, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लड़का शक्ल से ही टेररिस्ट लगता है। मेरी बात हुई एसपी इमाम से, उन्होंने भी मुझे बताया कि वो टेररिस्ट ही है। और इसकी माँ का किसे पता साला, बिन लादेन ही हो। बिन लादेन? आपने सुबह सुबह भांग तो नहीं खा ली? बिन लादेन, उस टेररिस्ट को धौलपुर ही मिला छिपने के लिए। क्या? अपने दिमाग से काम लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब वो लड़का मरना चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट हो या ना हो, और नहीं तो कम से कम उसे पकड़कर ये तो उगलवा लीजिए कि वो टेररिस्ट है, बगैर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए। और याद रखिए, मंदिर में पुलिस नहीं आनी चाहिए। आप समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं? जी 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 जी। थोड़ी सी भूल हुई तो सेंटर मेरा गला पकड़ेगी, आपकी बेवकूफी से हम सबको सजा मिलेगी। इलेक्शन जीतना चाहते हैं ना आप? और वो मजिस्ट्रेट की वाइफ, क्या नाम है उसका, कहीं वो तो आपका दिमाग नहीं खराब कर रही? कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं तो उसे जानता तक नहीं। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़िए और आम में मन लगाइए। हाँ, अगर ये टेररिस्ट वाली बात हम अच्छी तरह से भुना सके तो जीत हमारी है, वरना इतने जूते पड़ेंगे आपके सर पर, जो रहे सहे बाल है ना, ये भी नहीं रहेंगे।
जाइए आप, उठिए जी। अच्छा अच्छा प्रणाम सर। ठीक है, कविता जी। आपने सुबह से फोन नहीं किया। आप ही के बारे में सोच रहा था। कैसी हैं आप? अच्छा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे फिर क्या होना था, लड़की पलट गई भाई। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो अच्छा चलो 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 आराम से रहो लाइन में। अरे सारी का पार्टी जिंदाबाद। अरे अरे दो बोतल लेके आओ। राष्ट्रीय एकता पार्टी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, 9 साल का लड़का जिसका कि नाम भारत है, वो गांव की इस शुभ जगह पर कहीं खो गया है। उसने तिरंगे रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। वो अपने माता पिता के साथ गांव के ही इसी शुभ जगह पर आया हुआ था। किसी को भी वो नजर आए तो वो लॉस्ट और फाउंड सेंटर पर आकर के खबर करे। और अब बालनचंदा की पार्टी खत्म हो क्या हो भाई साहब? अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरी बहन है, प्लीज जाने जाने दीजिए। ऐश्वर्या जी आप भी अपना कान पकड़िए। साला उसामा बिन लादेन इधर है तो लोग मंदिर में। पकड़ पकड़ रे पकड़ गोपी। चल चल सरस्वती माँ यू आर ग्रेट। ए उसामा तू रुक, मैं आया। Siddharth, what the hell are you doing? Why can't you give me a steady shot, yeah? Sorry. Give me a minute, please. Joke. हाँ बोलो, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? देखो मैं काम कर रही हूँ, I'm busy, मुझे फोन मत करो। In fact, don't ever call me again. It's over between us. Do you understand? I just want to wish you a happy Valentine's Day. My foot. जो छोड़ेगा राष्ट्रीय एकता पार्टी का साथ, वो खाएगा मुक्के लाल, मुक्के लाल, मुक्के लाल।
कसम इस तिरंगे की कभी ना झुकने देंगे हम, भारत माता के लिए कभी ना होने देंगे गम, हिंदुस्तान के लिए एक तो क्या हजार भी सर कटवा देंगे हम, जमीन में क्या आसमां में भी तिरंगा लहरा देंगे। भाइयों और बहनों, मुसीबत की इस घड़ी में आइए और साथ में मिलकर गाइए और ले जाइए महीने भर के लिए कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। Competition happening at this controversial site. This is Suzanne reporting live from Dalpal for Club News. हाँ पांडे, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ सर, सब बढ़िया चल रहा है सर, कुंभ मेला लगा दिया सर। हाँ बस लोगों को खुश रखो, एक मिनट के लिए भी कोई बोर नहीं होना चाहिए। नहीं सर, बोर नहीं होगा सर। अच्छा सुन, एक टीम आ रही है दिल्ली से, सालों को इन्वेस्टिगेशन करनी है, उन्हें भी जरा संभाल लेना। दिल्ली वाले हैं साले, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे सर, अमेरिका से भी आएगा ना सर, तो हैंडल कर लेंगे सर, बिलीव नहीं है सर हम पे आपका। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ सर बिल्कुल। और तू दारू नहीं पिएगा, एक घूंट भी पीना तो गोली मार दूंगा, समझा? सर क्या बात कर रहे हैं सर, सर आज शनिवार है, शनिवार को हम दारू का नाम तक नहीं लेते हैं सर, आपको बिलीव नहीं है सर हम पे। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। अच्छा पहुँच रहा हूँ मैं, मंदिर पहुँच रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। हाँ सर। जी हाँ सर, ओके सर। कोई गड़बड़ हो तो मुझे फोन करना। ओके सर, ठीक है, रखता हूँ अभी। सॉरी भाई सर, ये थोड़ा टाइट रखो ना मामला, इधर देखो ना क्या कर रहे हो तुम यार। पर आप थूके थे। वरना इनका दिल तो बहुत बड़ा है, राजा आदमी है, दिल के राजा, एकदम फूल जैसा दिल है इनका। अब और इनके बारे में मैं क्या बताऊं, खुद ही देख लो। Good looking, huh? क्या मैं दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी हूँ? ये लड़कियां मुझसे बिदकती क्यों है यार? हाँ थोड़ा वेट बढ़ गया है तो कल से जॉगिंग शुरू कर दूंगा ना, कल से शुरू। सुबह जल्दी जागूंगा, आंखों के नीचे का गड्ढा खत्म। अब पेट वेट का क्या है ना दादा, चला जाएगा, जाएगा जाएगा, समय लगेगा लेकिन जाएगा। क्या ना, मैं जो हूं ना अंदर से इंसान अच्छा हूं, एक
दिल से खूबसूरत आदमी हूँ बस। किसी भी लड़की से मिलता है उससे प्यार कर लेता है तो क्या करें यार, प्यार ही तो करते हैं ना, प्यार करते हैं हैं हैं, कोई नफरत तो नहीं करते ना, मतलब बम तो नहीं मारना चाहते ना, प्यार हो जाता है तो क्या करें। भैया आप रो रहे हैं, का हुआ, कोनो प्रॉब्लम है? अब हमको बताइए ना। अरे तबीयत तो ठीक है ना आपका? ठीक है। सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है तो लोग देशभक्ति के गीत गा रहे हैं। Now, do you want me to capture that? I don't particularly care. Just try and get an interview of the terrorists if you can. Yeah, but frankly speaking, मुझे नहीं लगता कि मंदिर के अंदर कोई है। ये ढोलपुर के लोग मुझे कुछ पागल टाइप के लग रहे हैं। I haven't yet met a man who's not drunk. Can you please keep your voice down? You're not in Delhi anymore, you know? Nobody's listening. कोई नहीं सुन रहा मुझे। Okay, listen. This is important. Try and get an interview of the terrorist, okay? Try and make some contact with him. Right? Anita? Okay. I'll get back to you. I don't know who made him creative head of the channel. Chuck. अब किसी लड़की के उंगलियों से हो जाता है प्यार, हो जाता है। किसी लड़की के बालों से हो जाता है प्यार, उसके चेहरे के तिल से प्यार हो जाता है, आंखों से मतलब हो जाता है ना प्यार, मतलब किसी भी चीज से मतलब प्यार हो जाता है। क्या करें, प्यार ही हो जाता है ना, प्यार ही तो होता है, कोई गलत थोड़ी होता है माय बाप। एक बार कोई एक लड़की मुझसे सिर्फ ये कहे, सिर्फ मेरे लिए मेरी खुशी के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस दी एंड। अरे हटाओ उधर से। अरे अनिता जी, यू लुक लाइक टेंशनाइज, एनी प्रॉब्लम? अनिता जी मुझे टेररिस्ट का इंटरव्यू चाहिए। अरे तिवारी तुमसे बात कर रहा हूँ। तिवारी मैडम को इंटरव्यू लेना है टेररिस्ट से, व्यवस्था करवाओ। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, साला इतनी गोलियां ठूसूंगा ना खोपड़ी में कि तेरी माँ भी तेरा थोपड़ा नहीं पहचान पाएगी, समझा? तू पागल होगा क्या? बच्चे ने फोन किया था अभी, आधा घंटा या एक घंटा, बस मैडम
पुलिस वाला हूं तो क्या हुआ, मेरे दिल में बहुत प्यार है। एक ही बार मैंने जिंदगी में प्यार किया अपनी बीवी से और वो मर रही है और मैं जा नहीं सकता। और ये साला, ये टेररिस्ट अनवर, जब तक सरेंडर नहीं करेगा मैं नहीं जा सकता। वो टेररिस्ट है ही नहीं, मैं जानता हूं। और ये साले, मेरी बीवी मर रही है और मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके पास नहीं जा सकता। ये कैमरा मत चला। अनीता, अनवर, मैं जानती हूँ तुम टेररिस्ट नहीं हो। अब बाय द वे, मैं अनीता, मेरा दिल कहता है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो। तो फिर ये लोग, मैं टेररिस्ट? आप प्लीज इनको समझाइए कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ और मैंने किसी को नहीं मारा। आप प्लीज इन लोगों को बताइए, आप बताएंगी ना इन लोगों को? मैं बताऊंगी उनको कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, लेकिन तुम्हें सरेंडर करना होगा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आपको जरूर मेहरू ने भेजा होगा। मेहरू? नहीं, अच्छा तो इस भीड़ में आप यदि मेहरू को मिलेंगी तो उससे कहना हमने उसका खून नहीं किया, हमने उसको नहीं मारा, हम तो उससे प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत। हम यहां मेहरू का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो हमसे मिलने यहां नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, हम उनसे मिलने उनके नए घर चले जाएंगे। मेहरू? ये मेहरू कौन है? तुम चाहो तो मैं उससे बात करके यहाँ लेके आऊं। अनवर, तुम सुन रहे हो ना? अनवर, आप मेहरू को नहीं जानते? मेहरू को नहीं जानती आप? मेहरू को नहीं जानती? मेहरू को नहीं जानती? मेहरू, अगर हम जिंदगी भर 24 घंटे काम करें तब भी हम आपको अमेरिका नहीं ले जा सकते, और वैसे भी अमेरिका बहुत बड़ा बर्बाद देश है, जहां देखो बॉम्ब गिराते रहते हैं। और आपकी ब्रिटनी स्पीयर्स, वो मुझे पागल टाइप की लगती हैं। आप उससे हजार गुना टैलेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। देखिए अनवर, हमारी बातों का बुरा मत मानना, पर आपकी सोच बहुत ही छोटी है। और अमेरिका, वो तो लाखों लोगों की ड्रीम कंट्री है। आप लखनऊ से बाहर निकलोगे तभी पता चलेगा कि दुनिया कहां से कहां चली गई है। और अनवर, हमें इस देश से नफरत हो गई है, जहां देखो वहां धूल, गंदगी, मिट्टी, लोग, गर्मी। घर से बाहर निकलो तो डर के मारे निकलो, हम इस देश में नहीं रहना चाहते। पर हम आपसे प्यार करते हैं मेरू। अनवर, प्यार व्यार सब ठीक है, लेकिन प्यार से थोड़ा जिंदगी चलने वाली है। आप ये जो मंदिरों पर रिसर्च करते हो उससे कुछ नहीं होने वाला है,
आपको जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। आपका दोस्त क्या नाम है उसका, उदित, उदित को ही देखो, उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, वो अमेरिका में जॉब भी मिला है उनको। अब आपको उनकी तरह बनना चाहिए। और अब ये जो मास्टर पाशा जैसे लोगों के साथ रहते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग भी खुद कुछ नहीं बन पाए, ये लोग सिर्फ लूजर्स हैं। लूजर्स? और लूजर्स का मतलब क्या हुआ? अनवर, देखिए, आपको हमारी बातों से बुरा नहीं लगना चाहिए, पर मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। और अनवर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये कांस्टेबल लोग पागल होते हैं। आने दो उन्हें, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे क्या, हमें आपसे बात करनी है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? लाला मंजू, उठो उठो, पब्लिक प्लेस से क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर अकेले क्या कर रहे हो? और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा? हमें माफ कर दीजिए, हम अभी निकल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और जेब में क्या है? जेब में क्या है? कंडोम? देखिए, जबान संभाल कर बात कीजिए। अच्छा, तो तमीज सिखाएगा, तमीज सिखाएगा। चल कान पकड़, कान पकड़, उठक बैठक लगा 30 बार। और तू मुस्लिम औरत है ना, ये बुर्का क्यों नहीं पहना? हीरोइन बन के घूम रही है, कस्टमर नहीं मिलेंगे। पागल है साला, पागल है साला। मास्टर पाशा, आप यहाँ बैठे हैं, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। आए अनवर बाबू। अरे ये क्या हुआ आपको? अरे सब ऐसे ही है, जिस गली में लंगड़ा बनकर भीख मांगते थे, अंधा बनकर पहुंच गए, धो दिया लोगों ने, बहुत मारा है। अच्छा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी, हमको प्यार हो गया। प्यार? हाँ। अच्छा, बाकी बातें घर पर, तुम साइकिल साइकिल घुमाओ तुरंत, पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है यार, बहुत मारा बहुत मारा। हाँ, तुम जल्दी निकलो। सोचा तो आंसू भराए, सोचा दीप्ति, तुम्हें 1 साल लगा मुझे ढूंढने में। तुम कहती हो कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मैं ही एक हूं जो इस तरह के मंदिर का सेट बना सकता है। अनवर, वो मुझे पूरे 1 साल तक ढूंढते रहे। आप ये बात मुझे पिछले 1 घंटे में 99 बार बता चुके हैं, 1 बार और तो सेंचुरी पूरी। ना, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। लेकिन आपको पूरा यकीन है कि वो भी आपके बारे में? उसकी आंखों में बहुत प्यार है अनवर, जिस तरह वो मुझे देखती है, मुस्कुराती है, मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा, तू ये चोट वाली बात उसको बता नहीं देना यार। क्या ना तू क्या, अरे अरे ये वो ये तू साफ करना है, वो आने वाली यार। तू चप्पल तूने कहाँ उतारा यार, तू बिल्कुल बात समझते नहीं हो यार। ये अच्छा, ये साफ कर, ये हटाओ यहाँ से, ये इस चप्पल यहाँ से हटाओ आप। क्या कर, बिल्कुल समझते नहीं हो बात को यार आप। ये दारू की बोतल हटाइए आप यहाँ से। तू क्या है, लड़कियों को साफ सुथरी करीने से रखी हुई चीजें ज्यादा पसंद आती है। नहीं तो होता क्या है ना, आप लड़की को कुछ भी ऐसे कुछ भी इधर
कैसे हैं आप? नमस्ते दीप्ति। आप प्लीज बैठिए, आइए। आप ये अनवर हैं मेरे दोस्त। अच्छा। हाय। हिंदी ऑनर्स पढ़ रहे हैं और मंदिरों पर रिसर्च कर रहे हैं। दीप्ति जी। अनवर जी, मंदिरों पर रिसर्च? जी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या हुआ आपको? वो गिर गए, सड़क पर गिर गए। आप तो जानती हैं लखनऊ की सड़कों की हालत आजकल। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मैंने जो प्ले की बात की थी उसकी कॉपी लाई हूँ। तीन पात्र हैं, थ्री कैरेक्टर्स, लेकिन तीनों पात्रों का रोल एक ही एक्टर करेगा। लेकिन प्ले का सबसे अहम हिस्सा उसका सेट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ आप ही इस सेट को बना सकते हैं। मैं कुछ पेपर्स लाई हूँ और पेंसिल्स भी हैं। दीप्ति, कितना प्यार है आपकी आंखों में। मन होता है ऐसे ही आप कुछ कुछ कहती रहें और मैं ऐसे ही कुछ कुछ सुनता रहूं। वैसे तो प्ले के बारे में बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं। देखता रहूं बस, लेकिन शायद आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी चलती हूं सर। हां, अरे नहीं नहीं नहीं, आप चाय तो पी, चाय अभी चाय करें ना। आप जाइए ना, हलवाई के यहाँ से चाय लेके आइए। हाँ मैं लेके आता हूँ, मगर मेरी नहीं सर, आज बिल्कुल सब हलवाई को जाइए। नहीं नहीं सर, मैं जब अगली बार आऊंगी तब आप सुने, सब मेरे रिहर्सल के लिए इतने हैं। मैं इतने आऊँगा मगर नहीं, क्या है ना, नहीं आज मैं नहीं रुक सकती। अपना ख्याल रखिएगा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। अब चाय भी नहीं पिया यार। अच्छा अनवर, हम दोनों साथ में कैसे दिखते हैं? अब अच्छे दिखते हो, लेकिन हमारे ख्याल में आप दोनों को कुछ समय साथ बिताना चाहिए, एक दूसरे को जानने के लिए। शायद वो सिर्फ आपके काम को पसंद करती हैं। लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूं, और इतना ही काफी है मेरे लिए। किसी को प्यार करना बहुत बड़ी चीज होती है अनवर, जानते हो? दुनिया में हजारों लाखों लोग बिना प्यार के मर जाते हैं। प्यार में बिताया गया एक पल हजारों साल की जिंदगी से बहुत बड़ा होता है। तुम्हें लगता है मैं इस प्रेम में पड़कर खुद को बेवकूफ बना रहा हूं, तो मैं सदा के लिए बेवकूफ बना रहना चाहता हूं। बेवकूफ और पागल, पागल बेवकूफ। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा। अम्मी मैं अभी आई। भाईजान, भाईजान, आपका वो हिंदू उदित आया है। अच्छा लग रहा है? हाँ बेटा, थोड़ा घुटने के पास। वो बाहर तो नहीं है? मैंने तो उन्हें बाहर ही देखा था, मुझे लगा वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया। श्रेया वो उदित ही थी ना? हाँ भाईजान, वो उदित ही थे। अब उनका भूत हो तो अलग बात है। सुरैया। हाँ अम्मी। बेटा थोड़ी घबराहट सी हो रही है। अम्मी आप बिल्कुल मत घबराइए, देखिएगा इस सीता का बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरू के चाचा ने जो दवाइयाँ भेजी हैं काकोरी से, वो बहुत अच्छी है अम्मी। Thank you.
पागल हो गया क्या? वो कुछ नहीं। अम्मी जाग जाएगी तो। वो दरअसल हम कुछ ढूंढ रहे थे। हमें माफ कर दीजिए। हम ठीक हैं। कहाँ हैं आप आजकल? बस वही यूएस जाने की तैयारी में लगा हुआ हूँ, पेपर वर्क वगैरह। और ये साले अमेरिकन एम्बेसी वाले एक नंबर के गधे हैं। अगर रात को बीवी से झगड़ा हुआ तो दूसरे दिन वीज़ा रिजेक्ट। लकी मुझे मेरा वीज़ा मिल गया एंड आई एम आउट ऑफ हियर। मेरे आगे चार लोग थे, चारों को देखते उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। खान थे। एक बात बताओ अनवर, ये तुम लोग बाकी लोगों से अलग क्यों दिखना चाहते हो? डार्विन ने कहा है अपनी परिजाति से अलग होना शुरुआत है एक अंत की। डार्विन मुसलमान नहीं था और वो भी हमारे जैसे स्वतंत्र देश में। अगर होता तो ये समझ जाता कि क्यों एक 15 साल के लड़के को बॉम्ब बनाना सिखाया जाता है और क्यों उसे ये सीख दी जाती है कि वो दुनिया से नफरत करना शुरू कर दे इससे पहले कि दुनिया उससे नफरत करने लगे। सितंबर 11 के बाद तो मानो सारी दुनिया में मुसलमानों को टेररिस्ट ही समझा जाने लगा है। बाय द वे आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या तुम परसों मेरे घर आए थे? परसों नहीं तो। फोर थ्री पिछली बार का स्कोर है। आ जा। कब तक हारेगा मुझसे? अमेरिका जाने से पहले एक बार तो जीत के दिखा दे। हाँ, देख। गुड शॉट। देखिए हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी हैं, इसीलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम एक बात कहना चाहते थे, लेकिन क्या है ना कि कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं और जल्दबाजी में वो नहीं कह पाते हैं जो आप कहना चाहते हैं और वो सब कह जाते हैं जो आप कहना नहीं चाहते थे। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। भिकारी नहीं हूं मैं, कलाकार हूं। कलाकार
कभी अंधा बनता हूँ, कभी लंगड़ा, कभी गूंगा, कभी बहरा। पूरी दुनिया मुझ पर भरोसा करती है। द होल वर्ल्ड इज माय स्टेज। बस एक तुम ही हो जिसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सिर्फ एक भिखारी हूं, पागल भिखारी? अनवर, दीप्ति ने कहा कि मैं मानसिक रूप से विकलांग हूं। तुम्हें क्या लगता है? खैर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये कुछ मंदिर के स्केचेस हैं जो मैंने दीप्ति के लिए बनाए थे। शायद तुम्हारी मुलाकात हो, मौका मिले तो उसे दे दे। मैं कुछ तेरा खिला रहना चाहता हूं। भिकारी नहीं हूं मैं, भिकारी नहीं हूं मैं। पूरा विश्वास है कि इस मंदिर का सेट सिर्फ आप ही बना सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंदिर का सेट सिर्फ आप ही बना सकते हैं। उदित, बहुत डर रहा था। आफ्टर ऑल वो तो अखनों का ही है। और ये एम्बेसी वाले किसी का भी वीजा रिजेक्ट करते हैं कभी। यू नो इट्स नॉट इजी टू गेट अ यूएस वीजा। आई कुडंट बिलीव इट। मेरे हाथ में पासपोर्ट था और यूएस वीजा, बहुत कम लोगों के पास। अब कुछ ना रहा, दिल पर मेरा दूर हुआ, मेरे दिल
का चैन वो लूट गया, वो गम का साया छोड़ गया, इस गम के सिवा अब कुछ ना रहा। अब जाने से पहले मैंने शादी करने का फैसला कर लिया, मैं रू के साथ। तुम एक हिंदू हो, जानते हो ना? अगर तुम्हें लगता है उसकी माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। उसके रिश्तेदारों को इस बात की भनक लग गई ना, तो तुम्हारे शरीर के हिस्से लखनऊ की नालियों में मिलेंगे। और रही बात मेहरू की, वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देगी। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। हाँ, और तुम्हें लगता है ये सब होना चाहिए? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है यही सब होगा। अगर मैं मेहरू के साथ भाग गया तो? तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा तुम्हारा हिंदू और मेहरू का मुसलमान होना है। उसके रिश्तेदार आग लगा देंगे पूरे शहर में। किस सदी की बात कर रहे हो तुम अनवर? इसी सदी की, जिस सदी में मैं और तुम जी रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ है। और बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मेहरू से मिलना बंद कर दो। और आज के बाद हमारे घर आना भी। मेहरू, हम आपको खोना नहीं चाहते, नहीं चाहते आपको खोना। बच्चा हो हमें छोड़ के। अनवर, अम्मी जाग जाएंगी। जागती तो क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा? हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे आपके बिना। अनवर, हमें माफ कर दीजिए, पर हम अभी इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहते। मेहरू, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमने आपसे कभी मोहब्बत नहीं। मारिए हमें, मारिए। क्या कर रहे हो? मारिए, मारिए, क्योंकि हमने आपसे प्यार किया है। अब यही
करना था वो छूट गया, ऐसी क्यों मिली है सजा। मेरा साया मुझसे रूठ गया, एक सपना था वो टूट गया, जो अपना था वो छूट गया, ऐसी क्यों मिली है सजा। बस अब यही वो लम्हे बिखरे दूर कहीं, मायूसी है इस दिल में बसी, बस तन्हा हूं कोई आस नहीं, एक दर्द भरा आलम है यहाँ। मैं जिंदा हूं पर होश नहीं, जब दिल पर मेरा साथ नहीं, बस चाहत है कोई जोश नहीं, मत होश हूं अब कयामत सही। पर मेरा दूर हुआ, मेरे दिल का चैन वो लूट गया, वो गम का साया छोड़ गया, इस गम के सिवा कुछ ना रहा। दिल पर मेरा दूर हुआ, मेरे दिल का चैन वो लूट गया, वो गम का साया छोड़ गया, इस गम के सिवा कुछ ना रहा। सब इसको कहीं आपने देखा है चची? हमने सारा लखनऊ शहर छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मुझे लगता है वो इस शहर में ही नहीं है। मैं जानता हूं मैं रुका है, और तब साली पलट गई। अरे चाचा, तुम बुढ़ा गए हो लेकिन तुम्हारी कमीनगी में कमी नहीं आई है। साली पलट गई। लखनऊ तहजीब दोजख में जा रही है। हाँ, वो जा फरमा रहे हैं भाई आप। अरे कल मैं सहारागंज गया था, एक लौंडिया बिल्कुल चिपकी चिपकी पतलून और यहां तक की बनियान पहने, अरे भाई सब दिख रहा। और ये आजकल के लौंडे लौंडियों पर इश्क का जुनून सवार है। वजह फरमा रहे हैं भाई आप। यूपी 32 जेड 44 72 भाई बस आ गई। रोक रोक उसे भाई, बंदूक। अबे रोक रोक के निकाल निकाल, रोक रोक, अबे रोक के रख।
मेहरू मेहरू अस्सलाम वालेकुम भाईजान आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं उदित भाई जरा बाहर तशरीफ लाएंगे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है आइए मैं रुका हूं ए रंगदारी टैक्स रुको मेहरू हमारे चाची जान की लड़की है बहन जैसी है हमारी इतनी मोहब्बत करते हो तो भगाने की क्या जरूरत थी हमसे कहा होता हमने कहा करा देते खैर जवानी में तो गलतियां होती हैं आम खाओगे मलिहा बात के हैं जलालत की भी हद होती है नाक कटा दी इस लड़की ने हमारी कमजात इसको यहीं बंद करके रखो हफ्ते भर तक खाना पीना सब बंद कर दो इसका हाँ। पता नहीं कौन निकाह करेगा इस लड़की से
हम जानते हैं आप कौन है अनवर। आप बचपन में तितली के टूटे हुए पंख को देखकर बहुत रोए थे। हम ये भी जानते हैं कि आपके दिल में बहुत सारा प्यार है और आप मुझ में समा कर एक होना चाहते हैं, तो इंतजार क्यों कर रहे हो? Respect yourself and respect your nation.
से नैना लागे। तो से नैना लागे। तुसे नैना लागे मिली रोशनी, तुसे मन जो लागा मिली जिंदगी, तुसे नैना लागे मिली रोशनी, तुसे मन जो लागा मिली जिंदगी। मोहब्बत तो एक तो एक